हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके न्यू टेजनल टेक्निकल स्टडी ब्रांच पे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपको करंटली हम 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आपको यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर जे थॉमसन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसमें ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये रॉन्ग है आपका। यहाँ पर आपको रदरफोर्ड कर लीजिएगा, यानी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था प्रोटॉन की खोज। देखिए आपको हम बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये तीनों, ये परमाणु के तीन क्या है, पार्टिकल हैं। ठीक है, परमाणु के ये तीन अंश हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। ओके, तो इनके खोज जो तीनों वैज्ञानिक के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इन पर आवेश पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, इस पर प्रोटॉन भी इतना ही चार्ज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविक के द्वारा। फ्रेंड्स, फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और ये प्रोटॉन की खोज भी की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था। फ्रेंड, माइकल फेराडे के द्वारा, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परमाणु सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। एटॉमिक जो प्रिंसिपल होता है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। देखिए आप लोग पढ़ा होगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ठीक है, ये यहाँ पर विस्तार पूर्वक आपको 9th क्लास में बताया गया है यूपी बोर्ड वाला बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था, हेनरी बेकुरल के द्वारा। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए रेडियम है आगे, नेक्स्ट देखिए रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो रेडियम जो है ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, मैडम क्यूरी। ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में लिए हैं सब सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रहा है कि डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था डायनामाइट की खोज। देखिए डायनामाइट जो होता है आपका एक चट्टान होता है, ठीक है, एक पत्थर के नुमा होता है आपका, ये संगमरमर वगैरह इसी से बनता है। ओके, आइए नेक्स्ट पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज एसपी सोरेनसन के द्वारा किया गया था, एसपी सोरेनसन। कभी कभी एग्जाम में आपको ये सोरेनसन करके ही दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्लियर यही आंसर टिकआउट करना। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये सब वन लीनियर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको ये बी सी डी के ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको जो सही आंसर रहेगा ना, तो आपको इसी में से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आपको ये या तो बी या फिर सी में, तीनों में कहीं ना कहीं ये लिखा रहेगा, तो आपको वही टिकआउट देना है आंसर। तो आप ये वन लीनियर क्वेश्चन है, तो इससे आप कन्फ्यूज ना होइएगा, आपको ऑप्शन जो एग्ज़ाम में दिखेगा ये बी सी डी, ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, हेनरी कैवेंडिश। यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन की खोज आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। देखिए रदरफोर्ड तीन चीज़ का खोज किए हैं, एक नाभिक की खोज, एक प्रोटॉन की खोज। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, ना कि गोल्डस्टीन, इसको आप कट आउट कर लीजिए। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये आपका क्वेश्चन है ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये सिले और प्रिस्टले ने मिलकर किया था ऑक्सीजन की खोज, ठीक है। ऑक्सीजन को सिले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आइए अक्रिय गैस जो कि नोबेल गैसेज होती हैं, नोबेल गैस की खोज। ये नोबेल गैस जो होता है आर्गन, ठीक है, आर्गन हो गया, नियान हो गया, ओके, ओए सॉरी नियान नहीं हो गया, देखिए आपका हो गया आर्गन, हीलियम, ये सब अक्रिय गैस हैं आपकी नोबेल गैसेज, ठीक है, रेडान, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसकी खोज जो है ये रेमेज और रैले ने किए हैं अक्रिय गैस की खोज। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोरियम की खोज फ्रेंड्स ये बर्जीलियस के द्वारा किया गया है। थोरियम, थोरियम क्या है आपका, एक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना तो उसमें थोरियम का प्रयोग किया जाता है, ओके। देखिए यहाँ पर टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये जे एल बेयर्ड, ठीक है फ्रेंड्स, जे एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर की खोज किसके द्वारा किया गया था? देखिए बैरोमीटर आपका है, ये बैरोमीटर टोरी सेली के द्वारा किया गया था। टोरी सेली, देखिए फ्रेंड्स आप कहीं भी नोट बुक में अपने ये सब राइट कर सकते हैं, क्योंकि मैं दो बार इसीलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें ईजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा, आप इसको याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आपको हम ये बैरोमीटर की बात आई है, तो ये क्या है, ये दाब का माप करता है, ठीक है, यानी दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया, कोई भी प्रेशर हो गया, तो इसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 19 नंबर ग्रामोफोन का आविष्कार ये एडिशन के द्वारा किया गया था। एडिशन, थॉमस एलवा एडिशन इनको बोलते हैं। देखिए एडिशन जो है ये आपके बल्ब का आविष्कार भी किए थे, वैद्युत बल्ब जो होता है ये एडिशन ही किए थे 1802, ठीक है, 1802 में किए थे। देखिए 1802 में ये बल्ब का आविष्कार किए थे एडिशन। चलिए यहाँ पर दूरबीन देख लीजिए फ्रेंड्स। दूरबीन क्या है, ये दूरबीन का आविष्कार देखिए गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो के द्वारा किया गया था दूरबीन का आविष्कार। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके एनटीपीसी वाले पेपर में आ गया था रेलवे एग्जाम में, ठीक है। देखिए अब आपको ये दो क्वेश्चन हैं, इनको आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और हाँ ये भी क्वेश्चन आप आंसर में बताएंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, और ठीक है प्रतिरोध का मात्रक कि ये जो मात्रक है ये एक वैज्ञानिक का नाम पड़ता है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, इसे आर से प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए गाइस इसी अनुसार इस वीडियो को पॉज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।